बोल रहा हूँ, अगर लाइफ में अगर आप ये कराना सोच रहे हो, आई बॉल के लिए सोच रहे हो, तो अपना माइंड उस लेवल तक रखना कि अगर आप अंधे भी हो गए तो आपको अपने आप पे अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने क्या करा लिया। जिस दिन आपने ये सोच लिया उस दिन आप सिर्फ आई बॉल करा सकते हो, उससे पहले आप जिसको इतना ईजी समझते हो वो इतना ईजी है नहीं, तो इतना मत कराओ बस। गणेश गुप्ता, आज मैं एक टैटू दिखाना, वो भी खतरनाक टैटू है, मतलब आई बोल टैटू, मतलब इंडिया में किसने टैटू किया नहीं रहेगा, तो इंडिया में सेकंड टैटू है जो आई बोल टैटू है, वो भी बहुत पेनफुल टैटू है, बहुत मतलब ऐसे क्या मान गया, जो आई बोल टैटू करते हैं ना, मतलब अपने रिक्स के ऊपर करने पड़ता है, मतलब आइस भी चले जाएगा, कुछ भी चले जाएगा, घर भी चले जाएगा, तो आइस के अंदर जो ऐसे टैटू करते हो तो समझ जाइए कितना खतरनाक पावरफुल है। और ऐसा मॉडल है, इतना फेमस है ना मॉडल आई बोल टैटू, कोई इंडिया में कोई करता नहीं है। तो आपको आज इनसे मिलाने वाला हूँ, आज इनका पूछते हो आपको कैसा पेन हुआ, कैसे दर्द हुआ, इनके बॉडी पे कितना टैटू है, कितना साल से करते हैं, तो फिलहाल आपको दिखा दूंगा कौन मॉडल से। और हमारे फेमस भाई का हेयर स्टाइल देख लो, पहचानो कौन है, तो क्या नाचो मैं कमेंट करो कौन है। तो सबसे पहला हमारा मॉडल जी, सर आपका नाम क्या है? ओहो, अरे बाप रे, बहुत डेंजर लग रहा है। हाय, आई एम तारुसन, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम अ प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट। तो सर मुझे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप टैटू आर्टिस्ट में कितने साल से, मतलब ये टैटू आर्टिस्ट इज अ लॉन्ग टाइम, इज अ 20 साल से मैं टैटू कर रहा हूँ, 20 साल से टैटू कर रहे हैं। तो आप मतलब आपने सोच रहे हैं मुझे मॉडलिंग बनने को, क्या सोचा? नो, लाइक लाइफ में कभी सोचा नहीं है, बस जो सामने आया मैं उसको करता गया, बस करता गया और जो करता गया सामने ही हुआ। अच्छा, ये आपकी फैमिली वाले कुछ चिल्लाए नहीं, मतलब मेरे को इतने बॉडी पे टैटू कर रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं है ब्रो, आप खुद समझ सकते हो कि कोई फैमिली किसी चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती, बिकॉज ऑफ बी ऑनेस्टली, जब मैं ये टैटू मैंने जब सोचा बनाने के लिए, तो मैंने खुद से ही अभी तक, बी ऑनेस्ट, अभी तक मेरी फैमिली ने, मैंने लास्ट जनवरी, अभी 4 जनवरी को ये मैंने टैटू कराया, बिकॉज 7 जनवरी इज माई बर्थडे, तो ये मैंने अपने आप को गिफ्ट दिया, पहली बात ये है। बहुत बड़ी बात है। और आपकी मुझे बताओ, आपकी बॉडी तक फैमिली में, बी ऑनेस्टली, अभी तक मेरी फैमिली में मेरे को अभी तक देखा ही नहीं है उन्होंने, बिकॉज मैं अपने फैमिली से मिल नहीं पाया, और मैं सोच रहा हूँ अपनी मॉम को मैं कैसे फेस करूँगा, बिकॉज वेरी टफ। अपनी मम्मी को तुम टाइम दे नहीं पा रहे हो? मेरे को अभी 6 मंथ हो गए हैं, अभी से 6-6 महीने हो गए मैं मिल नहीं पाया उनसे, बट ब्रदर ने बात हुए इनसे, यहाँ मुंबई कन्वेंशन का तो प्रोग्राम नहीं था, बट भाई लोगों ने से मिलना था, तो इसलिए मैं स्पेशल में आया हूं। मतलब कन्वेंशन इतना अच्छा है, मस्त लगा। और मैं स्पेशल मुझे आप लोगों के लिए भी आया हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर, इतना मतलब अपना रील्स बना था, इतना फेमस है ना, आपको पता होगा इंस्टाग्राम पे। और मुझे पता, आपके बॉडी पे टैटू कितना, टोटल टैटू कितना है? कम से कम मुझे आज तक नहीं पता कि मैं अपने आज तक नहीं गिन नहीं पाया आज तक बस। शॉर्टकट में मतलब आप समझ लो 100 में से 98% बॉडी डन हो गया मेरा, बस मेरा सिर्फ हेड एंड मेरा ये लेफ्ट साइड फेस बचा हुआ है, बाकी पूरे बॉडी। आपके फ्यूचर में और सोचे कुछ टैटू करने की? या ऑफ कोर्स, मेरे फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, अभी मैंने सोचा कि हर चीज़ का प्लान कर रखा है, लाइक अभी टैटू के बाद मैं बॉडी मॉडिफिकेशन कराने पे जाऊँगा मैं, लाइक फुल बॉडी जब मेरा 100% डन हो जाएगा, उसके बाद मैं जाऊँगा बॉडी मॉडिफिकेशन के लिए। बाप रे, का खतरनाक है, अच्छी बोलो। इनका मतलब इनका लुक ऐसा है ना, मतलब हेल्थ ऐसा चलते हुए दुनिया पब्लिक देखती रहेगी, भाई कौन है, कहाँ से आया बंदा, किधर से निकला। तो इनका हेयर स्टाइल इतना अच्छा लगा मेरे को, आप इनका बॉडी का आपको टैटू दिखा दूंगा, कौन सा हेयर पेसिंग, कुछ अलग ही लुक है, पेसिंग देखो इनका, पेसिंग सब कुछ देखते हैं आपको सब। ब्रदर ने बोला कि टैटूज दिखाना, तो मोस्ट प्रोबली मैं पब्लिक प्लेस में जाता नहीं, और मैं टैटू रिमूव रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, नहीं करता हूं मैं। सो आज स्पेशल गणेश के स्पेशल, थैंक यू सो मच उनके लिए, ठीक है। सो दिस इज माय स्टार्टिंग पार्ट, ओके। फिर मुझे बताओ सब, तो अभी ये सरप्राइज, अभी हमने बैग देखा था अपने लॉ फ्रेंड में, फिर मुझे बताओ सर ये जो टैटू है, ये मतलब ये पैटर्न मतलब क्या है, पूछा दिस इज मेडुसा, इज अ वेरी फेमस कैरेक्टर फॉर लाइक, आपके जितने बॉडी पे टैटू है मुझे बताओ, मतलब ऑल अ स्टोरी, ओके। लाइक जैसे मैं चलते गया और मैं अपने बॉडी पे अपने जो भी सोचा उसको टैटू में कन्वर्ट किया मैंने। फिर आपके जो बॉडी पे जितना भी टैटू है, मतलब अपने मतलब पसंद करिए, मतलब कुछ भी ऐसा डिजाइन किए? नो, ऐसी मैं कोई चीज अपनी बॉडी पे चिपकाऊं कि जो मेरे को कल अफसोस हो कि मेरे को, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल्स जो टैटूज बनाते हैं वो बाद में रिग्रेट करते हैं, जैसे नाम वाम लिखवा लेना, गर्लफ्रेंड का नाम लिखाना, इस अ वेरी कॉमन, बट मैं ऐसे कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं चाहता, मैं अपने टैटू को कोई कभी भी लाइफ में बदलना नहीं चाहता मैं, और ना कवर अप कराऊंगा। ओके,
आई बोल टैटू तो आप ये देखो, पहले पीएसिंग देखो, ये पीएसिंग देखो पूरा यार, और ये पीएसिंग, ये पीएसिंग। तो आपको सर थोड़ा आई बोल टैटू दिखा दो मेरे दोस्तों को। ओहो नाइस, आई बोल टैटू देख सकते हैं। देखो ये आई बोल, देखो देखो थोड़ा, हाँ ये देखो, ये देखो। मुझे बताओ ये सर आई बॉल के बारे में तुम जानकारी दो ना, ये रिक्स वाला काम है क्या, कोई भी कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, अगर लाइक सी, अगर आई बॉल के बारे में अगर आप प्लान कर रहे हो, जितना आप इसको इजी समझ रहे हो, ये इतना इजी नहीं है। लाइक दिस इज नेक्स्ट टू नेक्स्ट, इसको मैं आई बॉल को नेक्स्ट लेवल भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, इससे भी ऊपर वाली चीज है। आई बॉल के लिए क्या करना है, जो टैटू के लिए कुछ फॉर्म भी भरने पड़ता है, डायरेक्ट करने पड़ता है? एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स नॉट अ सेफ, एंड गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करती है। तो एक प्रॉपर, जब मैंने अपने आर्टिस्ट से कोऑर्डिनेट किया तो एक मेरा कोर्ट से पेपर बना है, उसके अंदर मेरे डॉक्यूमेंट्स गए हैं, वो सर्टिफाइड हुआ है कोर्ट सिस्टम से कि हम अपने रिस्क पे, मैं ये आई बॉल करा रहा हूँ, मैं अंधा हो जाता हूँ ऑन द स्पॉट, तो मेरे को आर्टिस्ट को मेरे से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। कम से कम कितना घंटा लगा टैटू के लिए? या ये उस आर्टिस्ट ने, जब मैंने कोऑर्डिनेट किया था उससे, तो उसने मेरे को बोला कि दो घंटे में, चार घंटे में फ्री कर दूंगा, लेकिन मैंने, आई मीन ही इज़ माई गुड फ्रेंड, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लो और इजी करो, जिसके लिए बिकॉज ऑफ जिसके लिए मैंने इतना टाइम से वेट किया, तो उसके लिए मैं बहुत डेस्परेट था, तो उसके लिए मैंने बिल्कुल आराम से अपना ये आई बोल्ड करवाया। ये पेनफुल टैटू है कि नहीं? या इज़ अ वेरी फकिंग पेनफुल, लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना दर्द है। एक इंसान दर्द सह सकता है, लेकिन सेंसेशंस नहीं सहता है। जब आई के अंदर जब इंजेक्ट किया तो वो पेन समझ में आया, बिकॉज आई के अंदर इंजेक्ट करना, उसके बाद जब उसने ड्रॉप, एक ड्रॉप फील किया, उसके बाद मतलब बॉडी के अंदर पूरी सेंसेशन स्टार्ट हो गई, बिकॉज अंदर एक केमिकल से, दो केमिकल दोनों मिक्स हुआ है, तो वो कुछ तो अपना रिएक्ट देगा, तो उसकी वजह से पूरा बॉडी में सेंसेशन। ओके, बोल रहा हूँ अगर लाइफ में अगर आप ये कराना सोच रहे हो, आई बॉल के लिए सोच रहे हो, तो अपना माइंड उस लेवल तक रखना कि अगर आप अंधे भी हो गए तो आपको अपने आप पे अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने क्या करा लिया। जिस दिन आपने ये सोच लिया, उस दिन आप सिर्फ आई बॉल करा सकते हो, उससे पहले आप जिसको इतना इजी समझते हो, वो इतना इजी है नहीं, तो इतना मत कराओ बस। आईबॉल टैटू को दिखा दिया मेरे गुरु। तो ये वीडियो अच्छा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब जरूर करना, भाई को सपोर्ट भी करो, बहुत मेहनत किया। लव यू, लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर सपोर्टिंग, लव यू। सही बराबर जा रहा भाई, थोड़ा सा और We'll be right back.